हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कानून का ज्ञान विद एस के में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारे रिलेटेड है जनता कर्फ्यू, जो कि आज 22 तारीख को लागू है, और एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट 1897 से। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज आपको बताते हैं थोड़ा सा जनता कर्फ्यू के बारे में और एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट 1897 के बारे में। टॉपिक का नाम है फ्रेंड्स, जनता कर्फ्यू एंड एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट। फ्रेंड्स, ये तो हम सब लोगों को पता है कि जनता कर्फ्यू क्यों लगाया गया है, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं जनता कर्फ्यू क्या है। व्हाट इज़ जनता कर्फ्यू? जनता कर्फ्यू फ्रेंड्स एक सेल्फ कर्फ्यू है, जो कि ये आईपीसी में डिफाइन नहीं है। सिर्फ इसमें यही हिदायत दी गई है गवर्नमेंट के थ्रू कि आप सब लोग अपने घर में रहें ज़्यादा से ज़्यादा और सोशल डिस्टेंस बनाए रखें। हालांकि कर्फ्यू से टोटली डिफरेंट है फ्रेंड्स। कर्फ्यू में तो धारा 144 लागू की जाती है, जो कि सीआरपीसी में डिफाइन है। जनता कर्फ्यू और नॉर्मल कर्फ्यू में फ्रेंड्स यही फ़र्क है कि आप लोग जनता कर्फ्यू में ज़रूरी हो तो जा सकते हैं बाहर, नॉर्मल कर्फ्यू में जो सीआरपीसी के तहत लगाया जा सकता है उसमें बिल्कुल जाना मना होता है। हालांकि जनता कर्फ्यू में भी 22 तारीख में जो आज लागू है, ये ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहें और कोई इमरजेंसी हो तभी घर से बाहर जाएँ। तो ये है जनता कर्फ्यू का मकसद, जिससे कि जो कोरोना वायरस का ट्रांसमिशन है वो ख़त्म हो जाए, रुक जाए। तो फ्रेंड्स, ये तो था डिफरेंस जनता कर्फ्यू और नॉर्मल कर्फ्यू में। अब आपको बताते हैं जनता कर्फ्यू के रूल्स। जनता कर्फ्यू जो है फ्रेंड्स, आज 22 मार्च से लागू है, सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक इंडिया में। इसके ये कुछ रूल्स हैं: अवॉइड स्टेपिंग आउट ऑफ द हाउस अनटिल एक्सट्रीमली नेसेसरी, जब तक ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। जो एल्डर्स हैं 60 साल से ऊपर के हैं वो घर में ही रहें। और होल नेशन से, इंडिया की से अपील किया जाता है कि 22 मार्च को जनता कर्फ्यू को ऑब्जर्व करें, फॉलो करें। हालांकि फ्रेंड्स, आईपीसी में तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि अगर आप जनता कर्फ्यू में बाहर निकल आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी, लेकिन हाल ही में एक पिक सर्कुलेट हुई है जिसमें डीएम गाज़ियाबाद ने, जिलाधिकारी जो है गाज़ियाबाद ने, उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि 23 तारीख तक जो हैं कुछ एरियाज़ इसमें मेंशन हैं उनके जो बाज़ार हैं वो बंद रहेंगे, कुछ एरियाज़ हैं वो बंद रहेंगे, और अगर कोई इसका उल्लंघन करता है उनके ऑर्डर का तो आईपीसी की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध माना जाएगा। अब देखते हैं आईपीसी की धारा 188 क्या कहती है फ्रेंड्स। आईपीसी की धारा 188 कहती है कि जो भी डिसोबीडियंस करता है ऑर्डर का, जो कि प्रोमुलगेटेड है बाय पब्लिक सर्वेंट, और उस डिसोबीडियंस से, और वो डिसोबीडियंसेस ह्यूमन लाइफ, हेल्थ और सेफ्टी को डेंजर में डालती हैं, तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा, और जिसके लिए 6 महीने तक की सज़ा होगी और फाइन होगी, या फिर दोनों चीज़ आपके ऊपर लग सकता है। तो कुछ भी काम करने से पहले फ्रेंड्स, गवर्नमेंट और जो पब्लिक सर्वेंट्स के जो ऑर्डर्स हैं उनके अकॉर्डिंग काम करें, उनसे अलग ना जाएं। हाल ही में फ्रेंड्स, एक सिंगर हैं कनिका कपूर, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो गई है 14/3/2020 को एयरपोर्ट पर ही कोरोना घनात्मक पाई गई थी, जिनको होम क्वारंटाइन रहने के निर्देश दिए थे, किंतु उन्होंने उन नियमों का उल्लंघन करते हुए कई सामाजिक कार्यों में भाग लिया, तो उनके खिलाफ एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 में एफआईआर दर्ज हुई। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ एक ही है, और सब लोग अपने घर पर रहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और गवर्नमेंट का साथ दीजिए, जो इंस्ट्रक्शंस वो प्रोवाइड करते हैं उन्हें फॉलो कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।